गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन गर्दे वाला क्लास स्टार्ट हो गया। जल्दी से जल्दी मैं धांसु सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर वन प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी पर। जल्दी से जितने भी विद्यार्थी जो हमारे पुराने छात्र हैं, इसको जल्दी से जल्दी आपके पास फेसबुक व्हाट्सएप जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। और जल्दी से मुझे थम्सअप करके बता दीजिए क्या मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है। एक बार वॉइस को थोड़ा सा चेक करके बता दें, वॉइस को चेक करके बता दें, थोड़ा सा जल्दी से वॉइस के लिए थम्सअप कर दें। और आज CISI का पार्ट टू लेके मैं आया हूँ आपके लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से चल रहा है भैया CISI। इसमें बहुत पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा इसको, पूरा डिटेल से जितने भी सवाल जितने भी टाइप CISI में बनते हैं सारा टाइप आप लोग पढ़ के जाइए। बस मुझे आवाज़ के लिए थम्सअप कर दीजिए। एक बार वॉइस क्लियर आ रहा है भाई, आवाज़ के लिए एक बार थम्सअप कर दीजिए, वॉइस के लिए एक बार थम्सअप कर दीजिए, वॉइस के लिए। क्या वॉइस क्लियर आ रहा है? थम्सअप थम्सअप थम्सअप, थोड़ा सा थोड़ा वॉइस का पता चल जाए, आवाज़ क्लियर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट फटाफट शेयर कर दो भैया इसको, स्पीड के साथ शेयर कर दीजिए, स्पीड के साथ इसको शेयर कर दो, स्पीड के साथ एकदम जो है। थम्सअप थम्सअप थम्सअप, थोड़ा सा क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आवाज़ क्लियर है इसका मतलब। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए कल हमने पढ़ा था 2 साल। देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए एक सरप्राइज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये देखिए 6 घंटे की महामैराथन फिर आपके लिए आ रही है। और अब की बार देखिए 6 घंटे की महामैराथन अनअकैडमी पर हम लेकर आ रहे हैं। अनअकैडमी पर स्पेशल मेरा क्लास 6 घंटे का रविवार को 6 बजे से लेकर 6 बजे 12 जुलाई को 6 बजे देखना ना भूले। 6 बजे से 6 घंटे लगातार रात के 12 बजे तक चलेगी। बहुत बेहतरीन टॉपिक करवाऊंगा इसमें, जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में जो आ रहे हैं। SSC CGL मेंस को मैंने टारगेट किया और ये मैराथन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो भैया ये पहली मैराथन आपके लिए 6 घंटे नॉनस्टॉप, और आपकी डिमांड को देखते हुए मैं फिर एक बार दोबारे से 12 घंटे की नॉनस्टॉप मैराथन को मैं लेके आ चुका हूं। जब आपने डिमांड किया, बहुत से बच्चे कह रहे थे सर एक बार डिमांड, क्योंकि अब की बार इसमें हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर था ना, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, 4 घंटे का क्लास हमारा हो पाया था। मैंने 3 भाग में बांटा था, दूसरा और तीसरा दोनों भाग है, पार्ट टू और पार्ट थ्री दोनों भाग बेटा, पार्ट टू और आपका इसमें पार्ट थ्री, दोनों भाग एक साथ हैं, पार्ट टू और पार्ट थ्री दोनों भाग इसके एक साथ हैं। 12 घंटे की फिर अगेन महामैराथन, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी का जो चैप्टर है वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आपने जैसे ही बेटा इस चीज़ के लिए मेरे से अभिनंदन को किया, रिक्वेस्ट किया, तो भैया मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम सिर पे है, CGL का मेंस का एग्जाम है, तो इसमें मैं प्री अप टू मेंस लेवल के क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। अब की बार देखिए पहले मैंने बेसिक पढ़ाए थे, पहले मैं CGL और CHSL और NTPC और बेसिक प्रीलिम्स के क्वेश्चन करवाए थे। अब की बार जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक से तो होंगे शुरू, पर मेंस लेवल के क्वेश्चन बहुत होंगे, बिल्कुल प्री अप टू मेंस के धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन होंगे। तो चिंता करने का, 12 घंटे का मैराथन ये आपके लिए यहां तैयार है, और 6 घंटे का मैराथन अगले दिन शनिवार को 12 घंटे और रविवार को 6 घंटे, देखना ना भूले भैया। 8 बजे आपका 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर कर दे भैया। देखिए आपके लिए मैं लगातार बना हुआ बेटा, और ये आपका शेड्यूल है। जो बच्चा नया बच्चा है मेरे प्यार, नया बच्चे को मैं बता देता हूँ बेटा, ये मेरा शेड्यूल है जो डेली रेगुलर क्लास चलती है। बार बार बच्चे पूछते हैं शेड्यूल भैया, 12 बजे धांसू ट्रिक चलता है, 12:30 एडवांस मैथ की क्लास चलती है, स्पीड मैथ का चैनल है आपका नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना अब तक नहीं किया है तो। 5 बजे पेड बैच चलता है, अनअकैडमी पर चलता है, 8 बजे अर्थमेटिक क्लास होती है, इसके बाद मेरी स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी पर दलबीर नागर नाम से, मेरा जो नाम है वो दलबीर नागर है, आपका अपना धांसू सर दलबीर नागर अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल, अनअकैडमी अगर आप मेरे को फाइंड करते हैं तो दलबीर नागर के नाम से आप देखिए वहाँ पर सर्च करेंगे तभी मैं, हाँ तभी मेरा प्रोफाइल खुलेगा और उसको फॉलो पर जाके क्लिक कर देना है। ठीक है, ये रेफरल कोड मेरा DHASU धांसू सर, ये रेफरल कोड है भैया, कोई भी अनअकैडमी से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भैया धांसू सर का कोड लगाइए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जय श्री राम। देखो अब बच्चा बार बार कहता है सर PDF PPT कहाँ मिलते, भैया टेलीग्राम में मिलती है, ये है आपका टेलीग्राम, इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, मैथ्स बाय धांसू सर, इसमें 9K प्लस स्टूडेंट है, 9000, 9K का मतलब होता है 9000 अभी बच्चे हैं, आप जुड़ जाओगे तो 10000 इसमें हो जाएगा, और सभी बच्चों को यहाँ पे हेल्प मिलती है, सभी एग्जाम का हम तैयारी करवाते हैं, सारे लिंक सारी PDF सभी PPT में यहाँ पर डाल देता हूँ, एक ही जगह पर मुझसे डायरेक्ट आप लोग कनेक्ट हो जाओगे। ये अनअकैडमी पर अगर आप जाओगे तो मेरा नाम है दलबीर नागर के नाम से, और दलबीर नागर के नाम से प्रोफाइल है, फॉलोअप पे जरूर आप एक बार क्लिक कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी जितनी भी क्लास है, स्पेशल फ्री क्लास आपकी जो है जो चलती है वहाँ पे, कम से कम आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, जैसे यूट्यूब पे आप फ्री क्लास का आनंद लेते हो वैसे आप वहाँ भी आनंद ले सकते हो। ठीक बात है कि नहीं?
हाँ फाउंडेशन कोर्स कर चल चुका है मेरा, ये मैथ स्पेशल बेटा मेरा कोर्स चला हुआ है अभी, इसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ। जो बच्चा मैथ स्पेशल चाहता है, जिसकी डिमांड है सर मुझे मैथ स्पेशल चाहिए, एडवांस मैथ स्पेशल अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी एक दो टॉपिक्स में, जल्दी जल्दी फटाफट इसको शेयर करते चले जाइए भैया, शेयर करते चले जाइए स्पीड के साथ इसको। आज बहुत बेहतरीन 3 साल के लिए कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेसिक से। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय धांसू सर दलवीर नागर के नाम से, और लिंक मैथ्स बाय धांसू सर, बस यहाँ पे ऐट द रेट लगा दो, यहाँ पे ऐट द रेट मैथ्स बाय धांसू सर लगा दीजिए, आप सीधा टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर जाएंगे। चलिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए धांसू सर कोड आपका जो है क्लास नंबर 2, आज क्लास नंबर 2 है, और कल से हम क्वेश्चनों का PDF लाना स्टार्ट कर देंगे। आज बेसिक और है जो मुझे समझाना है, आज बेसिक्स को मैं लेके चलूंगा, और कल से हम भैया कल से हम PDF के साथ आएंगे, और एक क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकंड का टाइमर दूंगा, और मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कितने क्वेश्चन मेरे प्यार कितने बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आज कॉन्सेप्ट को और मैं सिखा रहा हूँ, जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए जल्दी से, 3 साल के लिए लिखिए भैया, 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए कॉन्सेप्ट, 3 ईयर के लिए कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, 3 साल के लिए कॉन्सेप्ट, जो 3 साल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 ईयर, 3 ईयर के लिए कॉन्सेप्ट। पहले मैं ट्री कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, पहले मैंने आपको बताया ट्री कॉन्सेप्ट, फिर रेशो का, पहले ट्री कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, फिर उसके बाद रेशो का कॉन्सेप्ट, पहले ट्री कॉन्सेप्ट को सीखे, फिर रेशो का कॉन्सेप्ट सीखे, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप लोग करिए। दो तरीके मैं बता दूंगा, पहले ट्री और फिर रेशो। 3 साल के लिए ये प्रिंसिपल होता है आपका, यहाँ पे प्रिंसिपल, और यहाँ ये होता है आपका पहला साल, ये आपका दूसरा साल, और ये आपका होता है तीसरा साल, पहला साल दूसरा साल, ये पहला साल, ये दूसरा साल, और ये तीसरा साल। ठीक बात है, यहाँ पे लिख लीजिए आप ए ए लिख सकते हो ऐसे बेसिक, और ये हाँ, और ये आपका बी बेसिक, जो डिफरेंस की हम बात करते हैं, ये आपका बी है। ठीक बात है कि नहीं है, ये आपका बी है, बी बी, और ये आपका सी है, कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक बात है, इसको थोड़ा पूरा डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा, ये फर्स्ट ईयर है, इसको लिखते जाइए, ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका फर्स्ट ईयर है पहला साल, ये सेकंड ईयर है, ये आपका दूसरा साल है मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपका थर्ड ईयर है, ये आपका तीसरा साल है, ये आपका थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर का मतलब होता है तीसरा साल। 3 साल के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 3 साल के लिए पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखते जाइए, CI और SI पे 3 साल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे 3 ईयर को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये टोटल की बात करेंगे तो टोटल ये 3 साल है, टोटल ये 3 ईयर हो गया आपका, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। क्वेश्चन ये पूछ लेता ना, 2.5 वर्ष का ब्याज बताइए, 1.5 वर्ष का ब्याज बताइए, तो 1 वर्ष का तो पूरा लेना है और इसका आधा ले लेंगे, 2.5 वर्ष के लिए कहता है, 2 साल 73 दिन की बात करता है, तो आज वो बढ़िया सारे सारे सवाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेटा जी हम रेट को रख लेंगे, यहाँ पे रेट, रेट को फ्रैक्शन में तोड़ना होता है, ये ट्री कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे एक लाइन को खींच देता हूँ, ये ट्री कॉन्सेप्ट है आपका, जो हमने कल भी बताया था, ये ट्री कॉन्सेप्ट है, बॉक्स में बंद कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आसान ईजी रहेगा। ये सेकेंड ईयर आपका जो है, और ये आपका थर्ड ईयर है, ये लो भैया, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर, ये आपका थर्ड ईयर हो गया। सवाल आपसे कुछ भी पूछ ले, मैंने कहा आज 3 साल के लिए हम क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सवाल कैसे आता है एग्जाम में, सवाल कैसे आएगा, हाँ सवाल आएगा एग्जाम में, प्रिंसिपल दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 10,000 रुपया, प्रिंसिपल कितना 10,000 रुपया, रेट आपको दे रखा है 10%, रेट 10% सबसे पहले, और टाइम दे रखा है आपको 3 साल, टाइम दे रखा है 3 साल। क्वेश्चन 4 ही बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन CI क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड, सबसे पहला क्वेश्चन तो वही है आपका जो है, हाँ पहला सवाल आपसे जो पूछेगा, सबसे पहला सवाल सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, साधारण ब्याज बताइए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है चक्रवर्ती ब्याज का होगा, तीसरा सवाल यहाँ से कि डिफरेंस क्या होगा CI और SI के बीच का अंतर, और चौथा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है अमाउंट सर मिश्रधन, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, आप बताइए मिश्रधन। अब बेसिक तरीका आपको पता है, और हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है हम आपको सिखा रहे, ट्री कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आएगा, ये 4 सवाल परीक्षा में आपसे पूछेगा। ठीक है, और आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। देखो पहले SI क्या होगा, साधारण ब्याज, SI को बोलते हैं साधारण, सुन लो भैया, SI का मतलब साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये अंतर क्या होगा, और अमाउंट मिश्रधन क्या होगा, 4 बातें आपसे पूछेगा। ठीक है, 3 साल के लिए 4 बातें आपसे पूछेगा, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक से है। देखो बेटा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो रेट जैसे परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में तोड़ दो, फ्रैक्शन में तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा 1/10, सीधी सी बात है, फ्रैक्शन में कितना हो गया 1/10 हो गया। ठीक बात है कि नहीं, फ्रैक्शन में आपका 1/10 हो गया, आप कहोगे जैसे कहोगे रेशो से कर देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको रेशो से भी सिखाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो पहले ट्री कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, प्रिंसिपल है आपका 10,000, प्रिंसिपल को यहाँ पे रखा, ये 10,000 रुपये है प्रिंसिपल, यहाँ पे 10,000 को रख दिया, 10,000 रखा प्रिंसिपल को, ठीक है, 3 साल में डिवाइड कर दिया, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल,
ठीक बात है, 3 साल में और 3 बार आपका बी आएगा और 1 बार आपका सी आएगा। ये है बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ट्री कॉन्सेप्ट है आपका जो है, ठीक है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, हाँ प्रिंसिपल आपको दे रखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। लाइक और शेयर करते चलो। देखो रेट है आपका 1/10, रेट है आपका 1/10, ठीक है। ट्री कॉन्सेप्ट है, 10,000 रुपया है प्रिंसिपल, मूलधन आपको 10,000 रुपया है। 10,000 का 1/10 कितना होगा? पहले साल भी 1/10 ब्याज और दूसरे साल भी। देखिए पहले साल, ये पहला साल, ये पहला साल, दूसरा साल या तीसरा साल, पहले साल 10,000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, और ये हो गया 1,000 रुपया, ठीक बात है कि नहीं है? क्योंकि ये तीनों क्या हैं आपके? ए हैं, ए ए ए, ठीक है। उसके बाद फिर 1,000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 100 रुपया, 100 रुपया, और ये हो गया 100 रुपया। और 100 का भैया 1/10 कितना हो जाएगा तीसरे साल के लिए? ये तीसरे साल का है, 1/10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 रुपया। अब कोई भी सवाल आपसे मुँह जवानी पूछ ले, कोई फार्मूला, PRT बटे 100 लगाने का जरूरत नहीं है, मूलधन गुना दर गुना समय, कुछ भी मत लगाइए भैया। अब वो उसका जमाना चला गया है, अब वो जमाना चला गया है, अब वो PRT बटे 100 लगाने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप में समझिए इस बात को, PRT बटे 100 की जरूरत नहीं है अब। हाँ PRT बटे 100 आप ये फार्मूले जो लगाते थे ना, ये अब सब फार्मूले छोड़ दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये आप फार्मूले लगाते थे ये आके भैया अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट को निकालना है तो पी प्लस में 1 + R/100 की पावर टी, काट दो इन फार्मूलों को। फार्मूले से सिलेक्शन नहीं होता भैया, फार्मूले से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ट्री का कॉन्सेप्ट भी, रेशो का कॉन्सेप्ट भी, जो अच्छा लगे भैया वो अपना नोट कर लेना, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन फिर आपसे बनवाऊंगा। देखो बेटा ये ए है, ये ए है, याद करने के लिए ए है। तो अब इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, 1,000 1,000, पहले साल 1,000 रुपये, दूसरे साल 1,000, तीसरे साल 1,000, तो SI ये हो गया आपका साधारण ब्याज, SI कितना आ गया बेटा? SI आ गया आपका 3,000, ये आ गया आपका SI 3,000 रुपये, 1,000 1,000 1,000 3,000, ठीक है। अब अंतर पूछा है, ये SI आपका 3,000 रुपया आ गया, SI आ गया आपका 3,000 रुपया। दूसरा पूछा डिफरेंस, डिफरेंस देखो ये होता है, ये है इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस है इसका, ये बी है, ये बी है, और ये बी है, और ये सी है, तो इसका डिफरेंस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है 3B + C, लिख सकते हो उसको, जिसको कॉपी में नोट करना है भैया वो नोट कर सकता है, 3B + C इसका डिफरेंस होता है, 3B + C, ठीक बात है, जिसको कॉपी में नोट करना है लाइक और शेयर करते जाइए। 3B + C होता है, तो 100 100 100 कितना हो गया? 300, तो डिफरेंस आ गया आपका 310 रुपया, डिफरेंस 310 आ गया। अब पूछता चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो ब्याज जो आपका 3,000 है उसमें इस अंतर को जोड़ देते हैं, ब्याज आपका 3,000 है उसमें इस 310 को जोड़ दो, 310 को जोड़ दो तो 3310, तो 3310 आपका ये क्या आ गया? ये आ गया 3310 रुपया आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया चक्रवर्ती ब्याज। अमाउंट मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है, मिश्रधन के लिए मैंने आपको ये बताया इस टोटल को जोड़ना होता है, मिश्रधन के लिए इस टोटल को जोड़ना होता है मेरे प्यारे बच्चों। मिश्रधन की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, ये जो अमाउंट होता है, अमाउंट को हिंदी में कहते हैं आप लोग मिश्रधन, ये यहाँ पे होता है पी प्लस में 3A प्लस में 3B और प्लस में सी, इन सभी को जोड़ना होता है। इस टोटल को हम जोड़ देंगे, इस टोटल को हम जोड़ देंगे, ये आपका ये, इस टोटल को हम जोड़ देंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ट्री कॉन्सेप्ट। इस टोटल को आप जोड़ दोगे ना तो ये अमाउंट आ जाएगा 10,000, और ये 1,000 1,000 10,000 3,310 है आपका जो है, 10,000 में 3,310 को आप ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 13,310, ये आपका अमाउंट आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया 13,310, ठीक बात है कि नहीं? 13,310 आपका अमाउंट हो गया, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सर हमें रेशो का कॉन्सेप्ट बता दीजिए, तो भैया रेशो कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे सीख लो, रेशो का कॉन्सेप्ट सीख लो धीरे धीरे। 13,310 मैं इधर लिख देता हूँ इसको, जिससे कि आपको थोड़ा सा रेशो का कॉन्सेप्ट भी मैं सिखा सकूँ। ये आ गया आपका 13,310 रुपया। देखो भाई रेशो का कंसेप्ट भी सीख लो साथ में, अब आ जाओ जो रेशो का कंसेप्ट पढ़ते हैं भाई। रेशो का कंसेप्ट क्या है? रेशो के कंसेप्ट में देखो दो चीज़ें आपको गिवन हो पेपर में, या तो आपको टाइम दे दे और आपको रेट दे दे, दो चीज़ अगर पेपर में आपको देता है तब क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा सकते हो, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ दो चीज़ दे दे। अब रेट उसने जो दिया है वो दिया है रेट उसने 1/10, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल 1/10 है। 10 रुपये पे कितने रुपए का ब्याज? 1 रुपये का कितना हो गया? 11। 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, भाई सीधी सी बात है, तो 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, ये देखिए 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज 11 है, 10 पे 1 रुपये का ब्याज कितना हो गया? 11। 10 पे 3 साल के लिए भैया 10 पे 1 का ब्याज कितना हो गया? 11। 10 का 10 से गुणा कर दीजिए कितना आ गया? 1,000। 11 का 11 से कर दीजिए 1,331 आ गया। द कंसेप्ट ऑफ रेशो, ध्यान से सुन लीजिए बेटा इस बात को, ये मूलधन होता है यहाँ पे, ये मूलधन, यहाँ पे मूलधन लिख सकते हो, अनुपात ये मिश्रधन होता है, ये मूलधन और मिश्रधन, और इनके बीच का डिफरेंस देखिए,
इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए, इनके बीच कितने का डिफरेंस है आपका, इनके बीच है 3331 का डिफरेंस है। ये मूलधन का रेशो है और ये आपका मिश्रधन का रेशो है, ये मूलधन का रेशो है, ये मिश्रधन का रेशो है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो है CI, जिसको आप बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको आप बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जिसको आप बोलते हैं। अब देखिए मूलधन के कितने हैं 1000, जबकि मूलधन दिया कितना है हमें भैया 10000 दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है हमारा 10000, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ हजार है 331, ये मूलधन कितना दे रखा है हमारा 10000 दे रखा है, 10000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ 10000 मूलधन दे रखा है तो 1000 भाग किसके बराबर है भैया 10000 के बराबर है, 10000 के, ये 10000 के बराबर है तो कितना गुना है इससे, इससे कितना गुना दे रखा है बेटा 10 गुना दे रखा है, तो 10 गुना दे रखा है तो बेटा 10 की यहाँ पे गुना कर दो, 10 की यहाँ पे गुना कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3310, और 10 की यहाँ पे गुना कर दो मेरे प्यारे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा 13310 रुपया। ये आप डायरेक्ट यहाँ रेशो के कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो, देखो रेशो का कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। हाँ पर इसमें जो है ना सिर्फ एक ही चीज़ में प्रॉब्लम आएगी कि डिफरेंस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस में आपको प्रॉब्लम आएगा, डिफरेंस के लिए समझ रहे हो बात को जो है, ये तो बड़े आसानी से निकल जाता है। देखिए इसमें आप साधारण ब्याज, ये मूलधन मेरा 1000 था, 1000 किसके बराबर है भैया 10000 के बराबर है, तो 1000 को 10000 के बराबर रखा, 10 भाग का मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया 3310, ये देखिए 3310 चक्रवर्ती ब्याज आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया मिश्रधन कितना आ गया 13310, ये मिश्रधन आ गया आपका 13310। जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे उस कॉन्सेप्ट को आप कर लीजिए, ठीक है, और ये मूलधन आपको दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, अब ट्री कॉन्सेप्ट से बनाइए, रेशो से बनाइए, जिससे आपको अच्छा लगे। डिफरेंस में थोड़ा सा दिक्कत आता है डिफरेंस को निकालने में, बाकी सी चीज़ें आपके निकल जाती है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग बना के देखेंगे, मैं क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ, क्वेश्चन बनाइए। 3 साल के लिए सवाल पेपर आता है, 3 साल के लिए क्वेश्चन आता है। प्रिंसिपल अमाउंट है 20000 रुपया, प्रिंसिपल है आपका 20000 रुपया, रेट दे रखा है 5% पर एनम, टाइम वही 3 साल है, 3 ईयर है, जिस कॉन्सेप्ट से आपको लगता है। पहला साधारण ब्याज बताइए SI क्या होगा, पहला क्वेश्चन साधारण ब्याज क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जल्दी से सीखे भैया का, और तीसरा क्वेश्चन कलम उठाने का जरूरत नहीं होना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन डिफरेंस साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा, मतलब CI और SI का अंतर, CI माइनस SI का अंतर क्या होगा, और चौथा क्वेश्चन जो होगा आपका जो है चौथा CI SI और चौथा क्वेश्चन अमाउंट मतलब मिश्रधन क्या होगा। जल्दी से चारों सवाल आज आप सीख के जाएंगे 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को उड़ा दीजिए स्पीड के साथ। हाँ डिफरेंस क्या होगा और चौथा अमाउंट क्या होगा। अब रेशियो से हमारी 3 चीज़ें तो निकल जाती है, पर चौथी चीज़ डिफरेंस, और हाँ सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ बहुत बढ़िया शानदार। देखो जब मैं रेशियो के कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो रेशियो से 3 बातें बड़ी जल्दी निकल जाती है, जैसे ये मूलधन है, जल्दी से बनाइए, ये मूलधन हो गया, ठीक बात है, और ये मूलधन और मिश्रधन का रेशियो हो गया, मूलधन मिश्रधन का रेशो, पहले इसको परसेंटेज में कर देते हैं, 5% का मतलब 5 × 2 = 10, 1/20 होता है, 20 रुपये पे कितना 3 साल के लिए, 3 साल के लिए ब्याज मिलेगा, 20 पर कितने का ब्याज, 1 रुपया का ब्याज कितना हो गया 20 पर 21, ये 20 पे कितने का ब्याज हो गया 21 हो गया, और 20 पे कितने का ब्याज हो गया ये आपका 21 हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक बात है कि नहीं है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का टाइम लगेगा, जो हमें लगता है इसमें कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मूलधन को मूलधन के यहाँ बराबर रखेंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कर लेंगे, ठीक बात है कि नहीं है। बट जो ट्री कॉन्सेप्ट है, ट्री कॉन्सेप्ट विद इन सेकेंड हमारा बना देगा, ट्री कॉन्सेप्ट में हमारा बहुत आसानी से जल्दी से स्पीड के साथ बन जाता है। ट्री कॉन्सेप्ट में भैया हमारा कितना 20000 रुपये प्रिंसिपल है, यहाँ 20000 रुपये को लिखा, ये 20000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है 20000 रुपये को लिखा, 3 साल में बांट दो 20000 रुपये को, ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, ध्यान से सुनते जाइए 20000 रुपये को, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, इसमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है, इसमें स्पीड फास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने फ्रैक्शन में तोड़ा तो 1/20 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 1/20 हो गया, 1/20 फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, 1/20 1/20 1/20, पहले साल में 1/20, तो 20 × 1/20 कितना हो गया, ये हो गया 1000, पहले साल 1000 रुपया, दूसरे साल 1000 रुपया, और तीसरे साल भी कितना है भैया 1000 रुपया है, 20 × 1/20 हो गया, ठीक बात है, पहले साल 1000, दूसरे साल 1000, तीसरे साल 1000 रुपया हो गया, बहुत बढ़िया शानदार। अच्छा उसके बाद फिर ये दूसरे साल की हम बात करेंगे, ये आपका दूसरे साल का हो गया, हाँ तो दूसरे साल का कितना 1/20 है, इसका 1/20 कितना हो जाएगा आपका जो है 3A 3B की बात करूँगा मैं, ये आपका 3B और ये हो गया आपका C,
ठीक बात है कि नहीं है? सिंपल है आपका, बहुत आसान तरीके से। ये इसका 1/20 कर दीजिए, तो 1/20 कितना हो जाएगा इसका, 1/10, 20 पंजे कितना हो जाएगा, ये 1000 का 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये 50 रुपया हो गया, ये 50 रुपया हो गया, ये 50 रुपया हो गया, हो गया 50 50 50। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर 50 का 1/20, तो 50 का 1/20 जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 × 4 = 2.5, ये इसका 1/20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। ये तीसरा साल है। देखो बेटा, आपसे अगर ये पूछने लगे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो पहले साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, पहले साल का जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है बराबर होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर की अगर बात करता है, ये पहला साल है, पहले साल का साधारण चक्रवर्ती ब्याज हमेशा समान होता है। ये दूसरा साल है, दूसरे साल का आपका ये चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो 1000 में 50 को जोड़ दो तो 1050 हो जाएगा। तीसरे साल की बात करता है तो तीसरे साल का ये आ जाएगा। क्वेश्चन इन पे भी पूछे जाएंगे, सवाल इन पे भी पूछे जाएंगे, मैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। अब आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, 1000 1000 1000 कितना हो गया बेटा, 3000 हो गया, 3000 हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, डिफरेंस की बात कर रहा है, साधारण ब्याज हो गया आपका 3000। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, जल्दी से देखते जाइए, अपना आंसर चेक करते जाइए भैया, 3000 रुपया साधारण ब्याज हो गया। सीआई की बात फिर कह रहा है, डिफरेंस 50 50 50 कितना हो गया, 150, और ये 152.5, डिफरेंस आपका आ गया 152.5। ठीक है, अब जो आपका साधारण ब्याज था इसमें 152.5 को इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3152.5। ये आपका क्या आ गया, चक्रवर्ती। अमाउंट के लिए टोटल को ऐड करना होता है, अमाउंट के लिए 20000 है आपका जो है, ये 20000 है, 20000 में कितना है, 3152.5, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23152.5। सारी बातें एक साथ निकल जाएंगी, एक ही साथ सारी चीज़ों को निकाल सकते हो भाई। ये इनको जोड़ देंगे, 1000 1000 को ये साधारण ब्याज आपका आ जाएगा। ये आपका अंतर है, ये साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है 152.5। आपसे बात करें कि भैया चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा तीन साल का, देखो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरे साल का ये होगा, दूसरे साल का ये होगा, तीन साल का ये कंप्लीट होगा, तीन साल का ये जो पोर्शन है तीन साल का कंप्लीट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। एक क्वेश्चन और बना के दिखा दीजिए मुझे, फिर उसके बाद मैं बढ़िया क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, फिर मैं टाइप को चेंज करता हूँ जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्वेश्चन आपसे बेटा जी कैसे भी पूछ सकता है, इस बात पे ध्यान रखना। जल्दी से एक क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करके दिखा दो, उसके बाद मैं कुछ एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मुझे दिखा दीजिए जल्दी से, स्पीड के साथ दिखाएंगे क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करके। प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 25000 रुपया, जल्दी से बनाइए, 25000 प्रिंसिपल है। रेट दे दिया है आपको 4% पर एनम, टाइम आपको दे दिया 3 साल। बताइए सबसे पहला क्वेश्चन एसआई क्या होगा, थोड़ा चेंज करूंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन सीआई क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा, डिफरेंस सीआई और एसआई का, और चौथा क्वेश्चन मिश्रधन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। जल्दी से बताइए तीन साल के लिए जल्दी से उड़ाइए स्पीड के साथ एकदम, जो क्वेश्चन को करते जाइए। प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है आपको 25000 रुपया, 4% की रेट से दे रहा है, 3 साल के लिए दे रहा है, जल्दी से उड़ाइए स्पीड के साथ, लाइक और शेयर ठोकते चलिए। भाई नया स्टूडेंट है तो देखो रेशो का कॉन्सेप्ट, ट्री का कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहाँ प्रिंसिपल को रख लो, 25000 रुपया प्रिंसिपल है बेटा, यहाँ पे प्रिंसिपल को रखा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल में बांट दो, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, 3 साल में बांट दिया, और 3 डिफरेंस इसमें आता है, सिंपल सी बात है, और ये लास्ट में ये आ गया 3 टाइम्स, ये ए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा याद रखने के लिए, 3 बार आपका ए आता है, 3 बार आपका बी आता है याद रखने के लिए, और 1 बार डिफरेंस सी आता है। ये ए ए साधारण ब्याज होता है, बी 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 आपका डिफरेंस हो जाता है, जब साधारण ब्याज में हमें अंतर को जोड़ देते हैं तब आपका चक्रवर्ती ब्याज आता है। 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 1/25 होता है, तो भैया ये 1/25 कर दो इसका, 4% का ये 1/25, इसका भी 1/25, पहले साल भी 1/25, रेट पहले साल 1/25 25 से काट दो, कितना आ जाएगा 1000, और ये भी आपका आ गया 1000, और ये भी आपका आ गया 1000। ठीक है, इसका 1/25 कर दो, 25 × 4 = 100, ये आ गया 40 40 और 40, देखो कितनी स्पीड से बनेगा, 40 40 40। ठीक है, और इसका भी 1/25 कर दो भैया, 40 का 1/25 कर दो, 40 और 25, 5 × 8 = 40 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5 और बचा 4, 1.8, 5 × 8 = 40, 1.8 आपका आ गया। अब कोई भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछ ले, सारे सवाल मुँह जवानी कर दोगे, मुँह जवानी निकल जाएगा, आपसे पूछ ले भैया साधारण ब्याज क्या होगा, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 1000 1000 1000 साधारण ब्याज, ये आ गया आपका एस आई, 1000 1000 1000 आ गया 3000 रुपये। ठीक बात है,
आपसे पूछे कि अंतर बताइए साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। 40 40 40, चार तीय 12, और ये कितना हो गया, ये चार तीय 12 हो गया, चार तीय 12 120, और प्लस में ये है 1.8, तो कितना हो गया 121.8, ये आपका डिफरेंस हो गया। आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 3000 में इसको जोड़ दो, 121.8 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 31.21.8। इसका मतलब आप सीख चुके हैं। और जब आपसे कहीं मिश्र धन की बात करें तो सभी को जोड़ दो, 25000 में ये 25000 था आपका अमाउंट, मूलधन 25000 था, इसमें 31.8 को अगर हम जोड़ देंगे तो 28.21.8। देखिए कितनी स्पीड से आपने आंसर को निकाल दिया है, ठीक है। तो ये टाइप आप ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। अब क्वेश्चन में देखिए, ये तो थे आपसे तीन बातें पूछ रही थी भैया, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल दे रखा है और रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आपसे SI, CI, डिफरेंस और अमाउंट के बारे में पूछ लिया। अब उल्टा भी पूछ लेता है, रेट और टाइम को देगा और प्रिंसिपल के बारे में पूछ लेगा। क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन जो है रेट और टाइम देगा, प्रिंसिपल के बारे में पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से जो है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, रेट और टाइम देगा, प्रिंसिपल के बारे में पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन लिखें, बताएं जल्दी से। सवाल एग्जाम में आते हैं बढ़िया बढ़िया सवाल, तीन साल पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, ठीक है। आज बेसिक्स पूरा कंप्लीट कर लो, कल से PDF लेके आऊँगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मूलधन बताइए, मूलधन क्या होगा, ये प्रिंसिपल, मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल को मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल बताइए, फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। CI और SI का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, डिफरेंस दे रखा है CI SI का 57 रुपये दे रखा है, ठीक है। रेट दे रखा है 16.3% और टाइम दे रखा है भैया तीन साल दे रखा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है और आपसे क्वेश्चन में पूछा है भैया बताइए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा। CI SI का डिफरेंस 57 रुपये है, रेट 16.3% पर एनम है, टाइम 3 साल है, तो बताइए प्रिंसिपल मूलधन क्या होगा, फाइंड द सम, बताइए जल्दी से। अरे कोई दिक्कत नहीं है, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 1.6 आ जाएगा, ठीक है बेटा, उसको 1.6 कर लो, 1.6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं माय डियर, 1.6 हो जाएगा, कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 1.6 हो जाएगा, कर देना उसका, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कैलकुलेशन स्पीड में करनी होती है, हो जाता है, 121.6 आएगा बेटा जी वहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कभी कभी स्पीड में हो जाता है, हाँ 1.6 आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेशन लगाया करो, कॉन्सेप्ट पे देख लिया करो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बताइए मूलधन बताना है, CI SI का डिफरेंस 57 रुपये दे रखा है, 16.3% आपको रेट दे रखा है, जल्दी से स्पीड के साथ, हाँ देखो मैंने आपको ये बताया, देखो ट्री के कॉन्सेप्ट से बहुत आसान हो जाता है, ट्री का कॉन्सेप्ट जो 3 साल के मैंने ये ट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, बड़ा आसान हो जाता है 3 साल के लिए। आप प्रिंसिपल को रखिए, 3 साल में डिवाइड कर दीजिए, पहला साल, ये दूसरा साल और ये आपका तीसरा साल है मेरे प्यारे बच्चों, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक बात है कि नहीं है, और ये आपका डिफरेंस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस हो गया। बहुत आसान मैंने तरीका आपको सिखाया, इससे आसान तरीका नहीं सीख सकते आप, बिल्कुल आसान तरीका, ट्री के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत थोड़ा स्पीड से हो जाते हैं, हाँ ध्यान दीजिए, डिफरेंस की बात कर रहा है ट्री के क्वेश्चन से, डिफरेंस अगर दे रखा है, देखो बेटा सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे, 16 दूनी 32, 16 38, 50, 50 दूनी 100, 3, ये 1/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, तो भैया इसका रेट जो आ गया 1/6, 1/6, 1/6 रेट आ गया 1/6, इसका 1/6 आ गया 1/6। देखो बेटा जैसे ये 1/6 रखा हुआ है, इसको हम डिफरेंस मानते हैं, ये डिफरेंस माना जाता है और इसको प्रिंसिपल माना जाता है, इसको याद रखिए, इसको डिफरेंस माना जाता है, इसको प्रिंसिपल माना जाता है, इस बात पे विशेष ध्यान देना, ठीक बात है ना। तो माना डिफरेंस माना, देखो ये 1 रुपया, अंतर को 1 रुपया मान लिया है, यहाँ पे अंतर को क्या मान लिया आपने 1 रुपया, तो 1 का 1/6 कितना होता है, उल्टा चलेंगे तो 1 का 1/6 मतलब इसके उल्टे से गुणा कर देंगे, 6/1 से गुणा कर देंगे, 1 का 1/6 उल्टा चलेंगे, 1 का 1/6 कितना होगा, 6 रुपया 6 रुपया 6 रुपया, 6 का 1/6 उल्टे से गुणा कर देंगे, 36 हो गया, 36 36 36, और 36 का 1/6 कितना हो जाएगा, 216। बस मेरा कहने का मतलब कॉन्सेप्ट को समझे, मैंने डिफरेंस को ले लिया, क्वेश्चन में बस 2 बातें दे दे आप सवाल को ख़त्म कर दोगे, पहली बात उसमें रेट दे दे और टाइम दे दे, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले परीक्षा में CI SI का, सब क्वेश्चन आप उठा दोगे, ये मेरा गारंटी है, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए।
ठीक है, चाहे रेशो के कॉन्सेप्ट से कर लीजिए चाहे ट्री से कर लीजिए, जो स्पीड से क्वेश्चन का आंसर देगा वही बेटर होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है वो अंतर 57 रुपये दे रखा है, सीआई और एसआई का अंतर 57 रुपये है, हमारे पास यहाँ पे अंतर कितना है, ये हमारा अंतर होता है, देखो जिसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है, ये मेरा अंतर होता है 6, 6 × 12, 6 × 3 = 18 और 1 = 19, 19 रुपये अंतर है मेरे पास, 19 रुपये अंतर। तो 19 जो अंतर है, डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, मेरे को डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 57, तो 19/57 के बराबर है, तो एक भाग किसके बराबर होगा, 19 × 57 3 के बराबर होगा, कितने भाग हैं आपके मूलधन के 216, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 8 कितना हो गया, 3 × 6 कितना हो गया 18, 3 × 6 = 18, 1 × 3 = 3 और 1 = 4 और 3 × 2 = 6, 648 रुपया मूलधन आ गया, 648 रुपया मूलधन, नोट कर लीजिए 648 रुपया आपका क्या आ गया मूलधन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड, 648 रुपया आपका मूलधन आ गया, क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बार दे रखा है भैया देखो, हाँ प्रिंसिपल फाइंड द मूलधन ज्ञात करना है, फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात करना है, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस दे रखा है सी आई और एस आई के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपको दे रखा है 140 रुपया, 140 रुपया डिफरेंस दे रखा है, और रेट है आपका जो है, रेट है 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9% आपका रेट दे रखा है, और टाइम दे रखा है भैया 3 साल, 3 साल के लिए टाइम आपका दे रखा है, तो बताइए फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। देखो सी आई एस आई का डिफरेंस 140 रुपया, रेट दे रखा है 11 से 1/9% टाइम, फ्रैक्शन में दे सकता है रेट को, सबसे पहला स्टेप आपका होगा रेट को कन्वर्ट करेंगे, हाँ बेटा रेट को कन्वर्ट कर देंगे 11, जैसे ये दे रखा है भैया 11 से ही 1/9 दे रखा है, 11 × 9 कितना हो गया 9, 99 कितना हो गया 100, 100/9 हो गया, परसेंटेज है बटे में 100 कर दो, 0 से 0 काट दो, फ्रैक्शन में तो चेंज कर सकते हैं आराम से, तो इसका 1/9 हो जाएगा ऐसे, तो 1/9 फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं ना बेटा, फ्रैक्शन में तो चेंज करना आना चाहिए आपको, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना होगा 1/9 होगा, देखो भाई 11 से 11 × 99 एक कितना हो गया 100, 100/9 परसेंटेज को हटाएंगे बटे में 100, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/9 आ गया, बहुत बढ़िया। बताएंगे बेटा पहले 3 ईयर का कंसेप्ट क्लियर करो, फिर 4 साल पे भी आएंगे, एकदम सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, एक एक करके चीज़ें सिखाऊंगा, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया शानदार शानदार, व्हाट इज द राइट आंसर जल्दी से बताइए स्पीड के साथ। देखो मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल 3 साल के लिए बात करता है, 3 साल, पहला दूसरा और तीसरा, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ठीक बात है, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 × B और 1 × C, ये 3 साल के लिए आपको हो गया, अलग अलग भी दे सकता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, आपको रेट अलग अलग, पहले साल का रेट अलग दे सकता है, दूसरे साल का अलग दे सकता है, तीसरे साल का अलग दे सकता है, तो कंसेप्ट उसी हिसाब से लगाना होता है जैसे कि रेट आपको दे रखा है। अब रेट तीनों साल के लिए सेम है, 1/9 है, तो पहले साल के लिए भी 1/9 है, दूसरे साल के लिए भी 1/9 है, तीसरे साल के लिए, एक तरीका तो ये है कि 9 का क्यूब ले लो, 729 हो जाता है, वही है भाई, 9 का क्यूब यहाँ पे ले लो भाई, 9 का क्यूब ले लोगे तो 729 हो जाएगा। दूसरा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत बढ़िया मेथड है, इससे आप देखिए, डिफरेंस 1 रुपया लिया, 1 का 1/9 लीजिए, 9 रुपया 9 रुपया 9 रुपया, 9 का 1/9 लीजिए कितना हो गया 81 81 81, 81 का 1/9 लीजिए, देखो 1 का 1/9 और फिर 9 का 1/9 और फिर 9 का 1/9 कितना हो गया 729 रुपया, ऐसे चलिए आप। और यह दूसरा तरीका ये है कि जब 1/9 आपको दे रखा है ना, तो इसका क्यूब कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/729, तो आप इसको प्रिंसिपल मान सकते हैं, इसको प्रिंसिपल, जो नीचे का जो वैल्यू है ना, इसको 3 साल की बात करा तो इसका क्यूब कर दीजिए, इसको आप प्रिंसिपल मान लीजिए, 729 प्रिंसिपल, इसका 1/9 81, इसका 1/9 9 और इसका 1/9 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जैसे भी आपको बेस्ट लगता है आप ऐसे चूज कर सकते हो, या तो आप जैसे 9 दे रखा है, इस 9 का डायरेक्ट क्यूब ले लीजिए, 9 का डायरेक्ट क्यूब ले लीजिए, 9 का डायरेक्ट क्यूब होता है 729, प्रिंसिपल को 729 मान लीजिए, माना है नहीं, रियल प्रिंसिपल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ अब सवाल में कंडीशन कहता है, डिफरेंस दे रखा है 140, मेरे पास डिफरेंस कितना है 9 × 9 9 × 2 = 18 9 × 3 = 27 27 और 1 = 28, ये 28 भाग हैं भैया 140 के बराबर हैं, हाँ तो कितना आ जाएगा 5 × 8 = 40, हाँ 28 से कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, 1 भाग कितने के बराबर है 5 के बराबर है, कितने भाग है प्रिंसिपल के 5, 5 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 9 = 45 और 4 × 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 14 है और 5 × 7 = 35 और 1 = 36, बिल्कुल
राइट आंसर 3645, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे एसआई का पूछता है, फिर सीआई का, फिर डिफरेंस का, और अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्रिंसिपल का। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन बचेगा आपका रेट का बचेगा और टाइम का बचेगा। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवा दूंगा बेटा, उसके बाद आपको पीडीएफ लेकर आऊंगा, पूरे सारे क्वेश्चन आपसे बनवाऊंगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है, ये तो क्वेश्चन आप आसान कर रहे हो, अगर रेट को डिफरेंट दे दे, अलग अलग रेट को दे दे, देखो कैसे, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन दिया है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है 12,600 रुपया, 12,600 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है, ठीक है। पहले साल जो रेट है 12,600 है, ठीक है, पहले साल जो रेट दिया है फर्स्ट ईयर, ये लिख लिया भैया, फर्स्ट ईयर जो आपका रेट है, फर्स्ट ईयर रेट है 14/2, पहले साल रेट है 14/2, दूसरे साल जो रेट है आपका, जो सेकेंड ईयर में रेट है 11/1.9%, और तीसरे साल में जो रेट है भैया, थर्ड ईयर में जो रेट लगता है वो है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ से पूछ लेता है आपका अमाउंट क्या होगा, यहाँ से पूछ लेता है सीआई क्या होगा, सीआई बताइए, यहाँ से पूछ लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लेता है अमाउंट बताइए मिश्रधन क्या होगा। हाँ बताइए भैया स्पीड के साथ, पहले साल मूलधन दे रखा है 12,600 रुपया, पहले साल रेट लग रहा है 14/2, फिर 11/1.9 लग रहा है, फिर 10% लग रहा है, जल्दी से स्पीड के साथ जो है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, और डिफरेंस भी पूछ सकता है, तीसरे क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है, डिफरेंस बताइए डिफरेंस क्या होगा। हाँ डिफरेंस ही पूछ सकता है, सारी तीन चीज इस सवाल में तीन बातें पूछी जा सकती हैं भाई, मूलधन तो उसने दे ही रखा है, आपसे ये पूछ सकता है भाई चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा और अंतर क्या होगा, ये बातें पूछ सकता है, ठीक है। तो जो बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो, हर तरह से दोनों कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ, रेशो से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। सबसे पहले तो फ्रैक्शन में तोड़ना सीख लीजिए, ये आपको दे रखा 14/2, तो कितना हो गया 7×4=28 और ये 7×7=9 100 से 100 कट गया 1/7, ये कितना हो गया 1/7, ये 1/7 हो गया और ये कितना हो गया, ये आपका 1/9 हो गया और ये आपका आ गया 1/10। देखिए रेशो का कंसेप्ट अगर आप चाहते हो सर रेशो से करना, तो भैया रेशो से दो तीन चीज़ें तो निकल जाती हैं स्पीड से, ये मूलधन आप ले लीजिए यहाँ पे, मूलधन और ये मिश्रधन का रेशो होता है, मूलधन और मिश्रधन मतलब जितना पैसा मिला और उसके बाद जितना पैसा आपको देना है, मूलधन मिश्रधन, ठीक है। तो पहले साल है रेट 1/7, मतलब 7 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज कितना हो गया भैया 8 रुपया पहले साल फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर है 9 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज कितना हो गया 10 रुपया हो गया, फिर 10 रुपये पे कितने का भैया 1 रुपये का ब्याज कितना हो गया 11 रुपया हो गया, ऐसे। अब जो वैल्यू कटेगी आप लोग काट सकते हो वैल्यू को आराम से, जो वैल्यू कटेगी 10 से 10 कट गया ऐसे, ठीक बात है कि नहीं है, 10 से 10 कट गया है, और काट के देखिए, और काट के देखिए कोई वैल्यू कटेगी तो ऐसे, कोई डायगनली अगर कटता है तो काट सकते हैं, 7 और 1 8 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 10 से 10 कट गया, ये 3 से 7 कटेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 9 7 ये हो गया 63 और ये कितना हो गया 11 8 88 हो गया, ठीक है। ये मूलधन हो गया, ये प्रिंसिपल का रेशो हो गया, ये हो गया मिश्रधन का रेशो, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये आपका सीआई आ जाएगा, ये सीआई का 88 में से 63 को माइनस कर दीजिए, 88 में से 63 कर देंगे, 8 में से 3 गया 5 और 8 में 6 गया 25, 8 में से 3 5 और 8 में 2, 8 में 6 गया 2, 25, ये 25 आ गया है। अब देखो उसने मेरे को दे कितना रखा प्रिंसिपल, 12,600 प्रिंसिपल दे रखा है और मेरे पास प्रिंसिपल कितना है ये आपका 6300, तो ये बराबर है 12,600 के बराबर है, ठीक बात है कि नहीं है, तो 63 भाग बराबर हो गए, 63 भाग 12,600, 12,600 के बराबर हो गए, ठीक बात है कि नहीं है, ये 600 ये लिख लीजिए। हाँ 9 से काट सकते हैं, 9 7 63, 9 7 63 कटेगा, 9 से कटेगा 9 1 9 और 9 4 36 और 2 0, फिर 7 से काट दो भैया 7 2 14, 200 बार कट रहा है, 200 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, सिंपल सी बात है, हाँ 2 3 ये हो गया ना, 6 2 12, 2 बार जा रहा है, ये 200, ये 200 गुना है, कितना गुना है, ये 63 का 200 गुना है, तो यहाँ पे भी 200 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, और यहाँ पे भी 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक बात है कि नहीं है, यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 आ गया और 2 8 कितना आ गया 16, 2 8 16 1 17, ये आ गया आपका मिश्रधन, ये आपका मिश्रधन है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए तो अच्छा है और सभी कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है।
हाँ ये आपका मिश्र धन आ गया 17,000, 2×16, 2×16 17। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 आ गया, ये 2 0 आ गया आपका जो है, 2×5 10 आ गया, और 2×2 4 और कितना आ गया 5,000, ये आ गया आपका CI। ठीक बात है, बड़े आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर यहाँ पे एक बात अटक जाती है, अभी आपसे पूछ रहता है ये डिफरेंस बताइए, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस को आप निकालिए, डिफरेंस कितना होगा डिफरेंस। अब इस डिफरेंस के लिए यहाँ पे पंगा अटक जाता है थोड़ा सा जो है। हाँ भाई, तो डिफरेंस निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट जो हम दे रहे हैं, ट्री के कॉन्सेप्ट से डिफरेंस को आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ट्री मेथड, हाँ ट्री मेथड से करते हैं, ट्री मेथड बढ़िया लगता है हमें भी, ट्री के मेथड से करते हैं, उसमें डिफरेंस आसानी से, या आपने इसे कर लिया है बहुत बढ़िया। देखो भाई, हाँ ट्री मेथड से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर रखा 12,600, प्रिंसिपल को यहाँ पर रखो 12,600, ये प्रिंसिपल को रखा, 3 साल में डिवाइड कर दो इसको, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया। ठीक बात है, पहले साल का जो रेट है, पहले साल का रेट कितना है 1/7, पहले साल का 1/7 रेट ले लिया, दूसरे साल का 1/9, 1/9 ले लिया, तीसरे साल का है 1/10, ये 1/10 ले लिया। तो पहले साल का 1/7 है, बात को समझते जाएंगे, पहले साल का 1/7 दे रखा है, तो 7 से भाग करिए, 7 × 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, 7×5, 7×8 56। ठीक बात है, ये आ गया आपका 1800। हाँ भाई क्लियर है, 9 से भाग करेंगे, 9×9 जाएगा, 9×4 36, हाँ 9×4 36, 9×9 9×4 36, और ये आ गया 1400, और 10 से जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1260। अब यहाँ पे फिर हम दूसरे साल का लेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये दूसरे साल का आपका आएगा, यहाँ सेकंड ईयर का आएगा। देखो ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का ब्याज है, ये तीसरे साल का ब्याज है। अब आपसे दूसरे साल की बात हो, ये सेकंड ईयर यहाँ पे जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, में थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको जो है, देखो हाँ इसको समझो, ये जो 1800 आया है, ठीक है, तो तीसरे साल का, यहाँ तीसरे साल का आएगा, ये तीसरे साल का आएगा यहाँ पे, और ये दूसरे साल का यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये तीसरे साल का, और ये आपका तीसरे साल का, 3 साल का ये आएगा, ये 3 साल का ये आपका जो है तीसरे साल का, ये थर्ड ईयर का आएगा। देखो थर्ड ईयर का आपका कितना दे रखा है, दूसरे साल के यहाँ पे देखेंगे, तीसरे साल का, तीसरे साल, ये पहला साल मैंने आपको बताया ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है आपका, और ये आपका यहाँ पर आएगा आपका ये थर्ड ईयर, याद रखिए, ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का ब्याज आएगा आपका। क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए सेकेंड ईयर में कितना, 1/9, तो इसका 1/9 कितना हो जाएगा, 9 से काट देंगे, 9×2×18 कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। ठीक बात नहीं, तीसरे साल का ब्याज कितना, 1/10, तो इसका भैया 1/10 ले लेंगे, कितना आ जाएगा 140 रुपया, इसका भी 1/10 ले लेंगे, कितना आ जाएगा 180 रुपया, और इसका भी 1/10 ले लेंगे, कितना आ जाएगा 20 रुपया। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे आसानी से आप समझ पाओगे, ये पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, और अब ये जो आ रहा है, ये जो लाइन है, देखिए ये हमारा तीसरे साल का, तीसरे साल में हमारा क्या रेट है आपका 1/10, तो 180 × 1/10 कितना बनेगा, ये 1800 × 1/10 80 रुपया बनेगा, और इसका कितना बनेगा भैया 1/10 1400 का 140 रुपया बनेगा, और इसका 200 × 1/10 कितना बनेगा 20 रुपया बनेगा, तो ये तीसरे साल का आ जाएगा। अगर आपसे पूछे भैया तीसरे साल का ब्याज कितना है, तो 1260 × 140 × 180 और इसको जोड़ देंगे तीसरे साल का ब्याज। दूसरे साल का पूछेगा 1400 में से 200 को जोड़ दोगे, पहले साल का पूछेगा तो 1800 ही रुपया ही हो जाएगा। बात समझ में आई? डायग्राम थोड़ा कन्फ्लिक्ट कर रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस हो जाएगा। अब इसको डिफरेंस को अगर हम जोड़ेंगे, देखो ये डिफरेंस है आपका जो है, डिफरेंस कितना हो गया आपका, ये 200 रुपया हो गया अंतर, 200 × 140 × 180, ये 200 हो गया, 200 × 180 में 20 जोड़ देंगे, ये भी 200 हो गया, और 140 को और जोड़ दो इसमें, ये है आपका डिफरेंस, कितना आ गया 40 × 2 = 4 = 5, आपका ये डिफरेंस आ गया, ये आपका। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ भाई क्लियर है, थम्स अप कर दीजिए एकदम जो है, बहुत बढ़िया। मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ एक बार, अगर थोड़ा सा आपको इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल एकदम डायग्राम से बिल्कुल आराम से बता देता हूँ, समझ लीजिए, थोड़ा सा प्यार से समझिए इस बात को। 12,600 था ये, 12,600 इसको सर्कल में रख देते हैं, ये 3 साल के बाहर दिया, ये 3 साल का दिया, पहले साल का जो रेट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले साल जो रेट दिया 1/7 दिया, दूसरा साल रेट दिया 1/9, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर बेटा, और ये थर्ड ईयर उसने रेट दिया 1/10 दिया, तो 7 से किया, 7×7 आया, और 1800 दूसरे साल में आ गया, 9 से किया, 9×9 9×36 1400 आ गया, तीसरे साल में आ गया इसका जो है 1260। ठीक बात है कि नहीं है?
तो अब बेटा वो अगर सेकंड ईयर की बात करता है तो ये सेकंड ईयर में देखेंगे, ये देखो ये सेकंड ईयर का होगा आपका, मैं बता देता हूँ, ये आपका सेकंड ईयर, ये यहाँ पे, तो सेकंड ईयर में कितना आपका 1/9, तो इसका 1/9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 हो गया। अब फिर ये सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा, सेकंड का 1/9, तो इसका 1/9 ले लेंगे। उसके बाद अब आते हैं थर्ड ईयर पे, थर्ड ईयर का ध्यान से सुनिए, इसका थर्ड ईयर पे निकाल देते हैं, इसका थर्ड ईयर पे कितना होगा, तीसरे साल का रेट कितना है 1/10, तो इसका 1/10 ले लेते हैं, इसका 1/10 कितना हो जाएगा 140 रुपया, ठीक बात है। इसका निकाल लेते हैं थर्ड ईयर पे, इसका थर्ड ईयर पे कितना होगा, 1/10 निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा 180 रुपया हो जाएगा। और इसका थर्ड ईयर पे निकाल देते हैं 200 का थर्ड ईयर पे कितना होगा, 1/10 कितना हो जाएगा, इसका 20 रुपया हो जाएगा। अगर आपसे तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछता है तो तीसरा साल आपका ये है, ये तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपसे दूसरे साल का पूछता है तो दूसरे साल का ये है भैया, 1400 और 200 को आप जोड़ दो, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ये है। अगर पहले साल, पहले साल में याद रखना, पहले साल में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम रहते हैं, ठीक बात है कि नहीं है। रेशो मेथड अभी तो सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और एक दो क्वेश्चन और बनवाते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, चिंता क्यों कर रहे हो। अब थर्ड ईयर की बात करेंगे, थर्ड ईयर का देखिए लीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल, मूलधन ज्ञात करना है। आप देखिए मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन आपको जो है फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। रेट जो आपको दे रखा है 16 से ही 2/3% आपको रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 3 साल, रेट दे रखा है 16 से ही 2/3। आप ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, 16 से ही 2/3% आपको रेट दे रखा है, टाइम आपका दे रखा है 3 ईयर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है थर्ड ईयर का आपको दे रखा है, ये थर्ड ईयर का आपको ये दे रखा है उसने जो है, थर्ड ईयर का उसने डिफरेंस दे रखा है, थर्ड ईयर का डिफरेंस उसने जो दे रखा है, तीसरे साल का CI दे रखा है उसने, थर्ड ईयर का CI थर्ड ईयर का जो CI है वो आपको दे रखा है 24 रुपया 50 पैसा। तो फाइंड द प्रिंसिपल, अब ये पूछा है तीसरे साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 24 रुपया 50 पैसा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन में मूलधन ज्ञात करना है, रेट दे रखा है 16 से 2/3, टाइम 3 साल है और तीसरा साल है, थर्ड ईयर का मतलब होता है तीसरा साल, थर्ड ईयर का तीसरे साल का जो दे रखा है, तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज आपको 24.50। तो बताइए मूलधन क्या होगा, चलिए जल्दी से बना के देखिए। हाँ दोनों ही टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ, कल PDF लेके आऊँगा, जो टेक्निक आप स्पीड से निकाल सकते हो उस टेक्निक को आप फॉलो करिए, ठीक बात है कि नहीं है। बताइए फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, डिफरेंस जब आपको दे रखा है, हाँ जल्दी से स्पीड के साथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। बहुत अच्छे, देखो वेरी गुड भाई, 16 से ही 2/3, 16 से 48 और 2 कितना हो गया 50, 50 से काटा 50 200, 1/6, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा 1/6, ठीक बात है कि नहीं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तीसरे साल की वो बात कर रहा है, तीसरे साल की, देखो 1/6, मैंने आपको यही चीज़ आपको समझाई है, इसका कितना आ गया 1/6 आ गया, ध्यान से देखिए ये प्रिंसिपल आ गया, ठीक बात है ना, फर्स्ट, हाँ एक बटा छः, 16 से ही 2/3, रेट 16 से ही 2/3 है आपका जो है, हाँ 1/6, ठीक है। देखो भैया रेट आपका 1/6 दे रखा है, रेट आपका 1/6 दे रखा है, 1/6 आपका रेट दे रखा है, तो डिफरेंस को 1 रुपया लिया, 1 का कितना हो गया 6, इसका कितना हो गया भैया 6 का कितना हो गया 36 और 36 का कितना हो गया 216, इतना आपने कर लिया होगा। देखो अंतर को 1 रुपया ले लिया, अंतर को कितना ले लिया 1/1 रुपया, 1 का 1/6 कितना हो जाएगा 6 का 1/6 कितना हो जाएगा 36 का कितना हो जाएगा 216, या ये 6 दे रखा है ना, इसका सीधा क्यूब कर दो, 6 का क्यूब कर दोगे तो 216 है, ये भी आप ले सकते हो भाई, 1/6 जो आपको दे रखा है ना, इसका 6 का आप क्यूब कर दीजिए, 6 का क्यूब 216 है, तो आप ये भी मान सकते हो कि प्रिंसिपल, इसको भी मान सकते हो, प्रिंसिपल आपका 216 हो गया, इसका क्यूब ले लो 3 से, 216 क्यूब, इसका 1/6 36, इसका 1/6 6, और 1/6 कितना हो गया ये। अब आपसे सवाल में जो दे रखा है वो कहता है तीसरे साल का CI, ये तीसरे साल का मेरे पास CI दे कितना रखा है, यहाँ पे देखो ये ट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा लगता है भैया, तीसरे साल का CI क्या दे रखा है,
ये तीसरे साल का सीआई है, 36 और 6 42 और 6 48 और 49 रुपया है तीसरे साल का, तीसरे साल का सीआई दे रखा मेरे को 49 रुपया किसके बराबर है, 24 पॉइंट किसके बराबर है भैया, 24.50 के बराबर है 49। तो एक किसके बराबर होगा, ये होगा 24.50 बटे में कितना हो गया 49, यहाँ से दशमलव को हटाओ 20, कितनी बार जाएगा यहाँ से, दो बार जाएगा, 2 × 5 = 10 हो गया, 2 × 4 = 9, 2 × 2 = 4, दो बार जाएगा। तो एक भाग कितने के बराबर है, 1/2 के, कितने भाग हैं आपके प्रिंसिपल के, कितने भाग हैं आपके प्रिंसिपल के, 216 का 1/2 निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2 ना जाने 2 × 16, 108 रुपया प्रिंसिपल आपका आ गया, 108 रुपया प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और लिख ले, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ हाँ जल्दी से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेता है, जल्दी से देखें नेक्स्ट को, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, लिखे भैया फाइंड द प्रिंसिपल, मूलधन ज्ञात करें, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन ज्ञात करिए, कल पीडीएफ के साथ आएंगे, पीडीएफ से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। रेट आपको दे रखा है 11 से ही 1/9% रेट, टाइम आपका दे रखा है 2 साल 2 ईयर और 73 डेज। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, 2 साल 73 दिन, 2 साल 73 दिन पे क्वेश्चन आया, 2 साल 73 दिन, हाँ ये दे रखा है 2 साल 73 दिन आपको दे रखा है, ठीक है। और सीआई जो दे रखा है, सीआई दे रखा है आपको 7640, ये इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, ये इन्फॉर्मेशन है। और मूलधन बताना है, फाइंड द मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, अगर रेट 11.5% है, टाइम दे रखा है 2 साल 73 दिन और सीआई दे रखा है 7640, जल्दी से बना के देखिए। बहुत बढ़िया शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन पर ध्यान लगाओ स्पीड के साथ एकदम जो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड भाई, जल्दी से जल्दी बनाओ, जल्दी से जल्दी स्पीड फास्ट, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। हाँ बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, प्रिंसिपल को निकालना है मेरे को, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट को निकालना है यहाँ पे, यहाँ रेट किसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है 1/9, 1/9 मैंने कहा यहाँ पे, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये 3 साल के लिए हम ले लेते हैं, 3 साल के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और उसके बाद 3 साल का डिफरेंस जो होगा, 3 साल के लिए आपका डिफरेंस हो जाता है, रेट है आपका 1/9, रेट आपने 1/9 ले लिया। देखो बहुत आसान है, अगर क्वेश्चन में रेट और टाइम दे दे, रेट और टाइम दे दे तो क्वेश्चन टफ नहीं है, जल्दी से बताइए। क्लास टाइम रेगुलर बेटा 8 बजे होती है मेरी क्लास। हाँ देखो एक तरीका तो मैंने आपको ये सिखाया कि भाई इसका 9 का अगर क्यूब कर देंगे, 9 ये 1/9 दे रखा है तो इसका क्यूब कर दीजिए कितना होगा, 729, यहाँ पे 729 को रख लो। दूसरा जो हमारा तरीका भी, डिफरेंस को 1 रुपया लो, 1 का 1/9 कितना होगा, 9 रुपया 9 का 1/9 कितना होगा, 81 का 1/9 कितना होगा, 729। ये दोनों तरीके हैं, या तो 9 का क्यूब करके डायरेक्ट 729 ले लो, या दूसरा हमारा तरीका है कि माना कि अंतर 1 रुपया है, 1 रुपया लो, 1 का 1/9 इसके उल्टे से गुणा कर दो, या तो 9 का जो 9 दे रखा है ना इसका क्यूब ले लो 729, इसका 1/9 81 होगा, फिर इसका 1/9 लेंगे तो 9 9 हो जाएगी 1 हो जाएगा, और या फिर इसका उल्टा ले लीजिए। अब सवाल में जो आपसे कहा है इस बात को ध्यान से देखिए, 2 साल 73 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें ध्यान से देखिए। अगर मैं 2 साल की बात करता हूँ, ये 2 साल है, ये 2 साल है, देखो भैया इस बात पे ध्यान दे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 साल है, 2 साल का ब्याज है, 2 साल का 81 ये आपका तीसरा साल है, ये साल, ये 2 साल, 2 साल तो ये कंप्लीट है ना, तो 2 साल का कंप्लीट ले लेते हैं, 81 और प्लस में 9 हो गया, 1 × 1 कितना हो गया, 2 × 8 = 16 और 9 को और ऐड कर दो इसमें कितना हो गया, 9 × 11 ये 7171 हो गया, ठीक बात है। अब जो तीसरा साल है, जो थर्ड ईयर है, देखो ये फर्स्ट ईयर है आपका, ये बेटा ये सेकंड ईयर है माय डियर, और ये आपका थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में वो ये कह रहा है, थर्ड ईयर में जो है 73 डेज हैं, तो थर्ड ईयर का आपका कितना बनता है, 9 × 9 = 9 × 2 = 18 = 19, 81 और 19 को ऐड कर दीजिए कितना हो गया, 9 × 10 = 8 × 9 ये 100 आ गया, गुणा में
73 डेज बटे में 365, एक साल में कितना दिन होता है 365 डेज की बात कर रहा है ना, तो एक साल में कितना दिन हो गया 365 हो गया, 365 को इसमें ऐड कर दो, इससे काट दो कितनी बार जाएगा, पांच बार, पांतिया 15, 5, 7, 35 पांच बार कटेगा, पांच से काटो 100 को कितनी बार कटेगा, 5, 10, 20 20 बार कटा है तो तीसरे साल का कितना आएगा भैया, 20 रुपये आएगा, 20 रुपये ब्याज आएगा तीसरे साल का, तो ये जोड़ देंगे 1 और 7 और 2 मतलब 73 दिन का कितना आएगा, 73 डेज का, तीसरे साल के, ये जो तीसरा साल दे रखा है ना इसके 73 डेज का लेना है, तो 73 डेज का लेने के लिए हमने क्या किया, 73 बटे में 365 सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 73 दिन का जो ब्याज आया वो आया 20 रुपया, इसमें ऐड कर दीजिए 7 और 2, 9 191 किसके बराबर है, आपको दे रखा है ये 76, ये आपको दे रखा है ये भैया 7640। अब कितनी बार कट रहा है, चार बार जा रहा है, सीधा सीधा चार से काट सकते हो, चार बार जा रहा है भैया, चार से काट सकते हो, देखो भैया चार से, चार एकम चार, चार एकम चार, चार नाम 36, चार एकम चार, चार और तीन 7, चार बार जा रहा है, 40 बार कट गया, 40 गुना है तो प्रिंसिपल कितना है 729, 729 का 40 से गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, एक भाग का वैल्यू आपका 40 आ गया, तो कितने भाग है मूलधन के आपके, 729 का 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 भाई, लाइक और शेयर में देरी मत किया करो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो तीन साल में जो क्वेश्चंस पूछता है, तीन साल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, SICI मैंने ट्री कॉन्सेप्ट से भी आपको बताया है, रेशो कॉन्सेप्ट से बताया है, रेशो के कॉन्सेप्ट से प्रिंसिपल को आसानी से निकाल सकते हो आप, जो है CI को आसानी से निकाल सकते हो आप, और उसके बाद अमाउंट को निकाल सकते हो, पर थोड़ा सा डिफरेंस को निकालने में टिपिकल हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे। मैराथन इस बार शनिवार को जो भैया 12 घंटे की मैराथन है आपकी जो है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कल से आप लोग एकदम देखिए, दो दिन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया, अब आता है तीन से ज़्यादा साल, चार साल, पाँच साल, छः साल, सात साल, आठ साल, ठीक है। अब हमने आपके लिए PPT और PDF दोनों तैयार कर दिए हैं, अब आप लोग तैयार हो जाइए, कल से मैं आपके लिए PPT लेके आऊँगा, सब बच्चे कमर कस के आएँ, 30 सेकेंड का टाइमर दूंगा, 30 सेकेंड में आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, 2 साल का 3 साल का मोर देन 3 ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो कल की क्लास में हम क्लियर करेंगे, और साथ में क्वेश्चन को PDF के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है भैया सेशन को लाइक और शेयर आगे कर दिया करो, दो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, ट्री का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया आपको, रेशो कॉन्सेप्ट सिखाया, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है उससे आप क्वेश्चन को करेंगे, इसके बाद आपको रेट और टाइम निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब भैया जल्दी से आप जो है, हाँ इसके बाद 10 बजे जो हमारा क्लास है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ज़्यादा से जल्द हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, मैथ्स बाय धांसू सर, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है दलवीर नागर के नाम से मेरे प्यारे बच्चों, PPT PDF सब कुछ हम यहाँ पर डाल देते हैं, ये लिंक है @ मार्क्स बाय धांसू सर, मेरी जितनी भी क्लास होती है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो, यहाँ पे मेरी क्लास देख सकते हो, मैथ्स बाय धांसू सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर देखिए, हाँ और इस उसको शनिवार को देखिए, ये हमारा शेड्यूल है दलवीर नागर के नाम से, मेरा जो शेड्यूल है दलवीर नागर आपके अपने धांसू सर जो है, ये सुबह 12 बजे क्लास चलती है धांसू ट्रिक की, स्पीड मैथ्स पे चलती है, फिर क्लास, ये टाइम टेबल है, फोटो ले लो भैया जिसको टाइम टेबल, ये एडवांस मैथ जिसका एडवांस मैथ कमजोर है, जिसको डेली हमारे 5 बजे पेड बैच क्लास होती है अर्थमेटिक, इसके बाद मेरी जो स्पेशल क्लास चलेगी, इसके बाद मेरा स्पेशल क्लास चलेगा वो भी आपका चलेगा, आपका अनअकैडमी पर चलेगा, ठीक बात है कि नहीं है। और आपके लिए खुशखबरी है भैया, देखो अनअकैडमी पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं दलवीर नागर के नाम से, आप SSC एग्जाम में जाएंगे दलवीर नागर के नाम से आप मेरे को फॉलो करेंगे, ठीक बात है। स्पेशल मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट है, जो बच्चा फाउंडेशन बैच लेना चाहता है यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, आपको साल का चाहिए साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसमें क्या होता है मेरे साथ और भी एजुकेटर क्लास आपको मिल जाएगा, मेरा कोड है DHASU धांसू सर, इस कोड को लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि आपका अपना कोड है, ठीक बात है धांसू सर, ये 10% आपको इस पर रियायत मिलेगी धांसू सर का कोड लगाने से, ये आपका कोड है। टेलीग्राम का हमारा ये है पेज, फर्स्ट पेज टेलीग्राम का है, इसमें 9.9 के स्टूडेंट है, इसी टेलीग्राम को ज्वाइन करना। अगर आप फेसबुक पर मेरे को फॉलो करते हैं तो बेटा इस फॉलो ऑप्शन पर क्लिक कर देना, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेगी, मेरी जितनी भी क्लास अनअकैडमी पर चलती है, यूट्यूब पर चलती है, सारी क्लास का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और ये एक मैराथन फिर आपके यहाँ लिए आ रही है, 6 घंटे का महामैराथन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये 6 घंटे का संडे को होगा ये महामैराथन, 6 बजे से स्टार्ट होगी और रात के 12 बजे तक चलेगी, 6 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, शाम के 6 बजे से क्लास चलेगी, शाम के 6 बजे से चलेगी और रात के 12 PM तक क्लास चलेगी, 6 घंटे नॉन स्टॉप मैराथन आपके लिए, महामैराथन बेहतरीन क्लास आपके लिए जो है। और इसको हमने किसको टारगेट किया है, जो SSC का जो एग्ज़ाम है आपका, जो CGL मेंस का जो एग्ज़ाम, प्री अप टू मेंस लेवल का कंटेंट हम इसमें लेके आ रहे हैं, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ प्री अप टू मेंस लेवल का, मैं यहाँ पर प्री अप टू मेंस लेवल का कंटेंट लेकर आऊँगा, बढ़िया क्वेश्चन जो है, हाँ
और फिर ये महामैराथन जो आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे, भैया देखिए ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट टाइम हमने 4 घंटे की मैराथन की थी, उसमें हमने 2 भाग बांट दिए थे, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा दोनों भाग हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 2 में हम ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे, और पार्ट 3 में हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक बात है कि नहीं है? पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारा जो है, पार्ट 2 पार्ट 3 12 घंटे की महामैराथन इसी सैटरडे को, शनिवार को 12 घंटे की और रविवार को अब की बार 6 घंटे की मैराथन है। तो बेटा देखना मत भूलिए, एग्जाम आपके सिर पे है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करना सीख जाए। अच्छा, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस करवाऊंगा मैं साथ के साथ ना, ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है जिसमें बड़े क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो फंसता है आपका। तो हाइट एंड डिस्टेंस को एक रेशियो का ऐसा कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन चुटकी बजाते ऐसे निकालना सीख जाओगे। भैया अगर आपको अच्छा लगता है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि भैया आपके लिए मेहनत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और दिल से शिद्दत से मेहनत करता हूँ। 12-12 घंटे की क्लास लेकर आ रहा हूँ, 12-12 घंटे की क्लास, तो बताइए कितना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप मेरे को अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं दलवीर नागर के नाम से, यहाँ पे आप मेरा कोड है DHSU धांसु सर, रेफरल कोड धांसु सर लगाना मत भूलिए, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, और लगातार मेरे साथ बने रहिए। 12 घंटे की नॉनस्टॉप क्लास लीजिए मैराथन, उससे पहले आप ये 6 घंटे की मैराथन क्लास लीजिए। बेटा इतनी मैराथन क्लास आपको दूंगा, इतनी मेहनत करवा दूंगा कि आपको सपने में भी खाकी वर्दी दिखाई देगी। बेटा जिसको मिला है मेहनत से मिला है, अगर मुझे मिलेगा तो मेहनत से मिलेगा, आपको मिलेगा तो मेहनत से मिलेगा, अगर मेहनत करोगे तो बेटा जीवन में सफल हो जाओगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपका सुझाव और सजेशन अपना कमेंट बॉक्स में बेटा दे दिया करो, अगर किसी चैप्टर से खौफ है तो वो भी बता दिया करो। तो बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, कल मैं PDF के साथ आऊँगा, 30 सेकेंड का टाइमर लेकर आऊँगा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा देता हूँ, जय हिंद जय भारत, थैंक यू माय डियर।